हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, बर्केल एंड हार्टलेज मेथड। हम लोग का पिछला वीडियो था वांट फैक्टर, उसमें हम लोग देखे थे कि वैसे सॉल्यूट जो आफ्टर डिजॉल्विंग नेसेसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, तो फिर उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बिल्कुल सेम होता है। बट वैसे सॉल्यूट जो आफ्टर डिजॉल्विंग एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और होता है और कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ और होता है, जिसको समझने के लिए वांट ने एक फैक्टर दिया था आई। आई जो होता है वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का रेशियो होता है। वैसे सॉल्यूट जो आफ्टर डिजॉल्विंग डिसोसिएट एसोसिएट होते हैं, अगर उसका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करना हो तो फिर उसके फार्मूला में अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेटेड वैल्यू और उस सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मान बिल्कुल सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का हमको आई फाइंड करना है, तो हम लोग क्या देखे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, तो पी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी कि इसको ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं, और पी के यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेटेड वैल्यू को हम लोग नीचे लिखेंगे, और ये जो रेशियो होगा ये आई होगा। तो इसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर का फाइंड करना है वो तो हम फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। हमारा पी का फार्मूला होता है डब्ल्यू एच टी अपॉन एम वी। तो इस तरीका से ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू इस फार्मूला से फाइंड हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। बट अगर हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो फिर उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसी के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे बर्केल एंड हार्टले मेथड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं बर्केल एंड हार्टले मेथड। तो देखिए यहाँ पर हम हेडिंग ही बनाए हुए हैं कि बर्केल एंड हार्टले मेथड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करने का ये मेथड होता है। तो इसमें जो है हम टू सिलेंडर लेते हैं, एक इनर सिलेंडर होता है और एक आउटर सिलेंडर होता है। सपोज जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है, और थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, ये हमारा जो है इनर सिलेंडर हो गया और ये हमारा आउटर सिलेंडर हो गया। आउटर सिलेंडर हो गया, ये जो है हमारा बी सिलेंडर मान ले रहे हैं इसको, और इसको हम ए सिलेंडर मान रहे हैं। ये जो बी सिलेंडर होता है पोर्सिलिन का बना हुआ होता है, और ये जो सिलेंडर होता है, जो आउटर सिलेंडर होता है, वो गन मेटल का बना हुआ होता है। जो बी सिलेंडर होता है इसमें पोरस होते हैं, ये पोरस हो गए इन पोरस पर कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिट रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस पर कॉपर फेरोसाइनाइड जो है इस पोरस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे
ये पुरुष जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करने लगता है एज ए एसपीएम। इसमें एक इंडिकेटर के रूप में कैपिलरी ट्यूब ऐड रहता है इसमें, एक कैपिलरी ट्यूब सी है और कैपिलरी ट्यूब जो है इस बी सिलेंडर में फिट रहता है, इसको सी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। यह इंडिकेटर कवर करता है और एक इधर वाटर रिजर्वर फिट रहता है। इसको हम डिस इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब जो है इस बीस सिलेंडर में यहां से हम डिस्टिल्ड वाटर एज ए सॉल्वेंट यहां से डालेंगे, सॉल्वेंट डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। ये क्या होगा कि इसको फिल होने के बाद इस कैपिलरी ट्यूब में जाएगा, ये हमारा सॉल्वेंट है। और बी सिलेंडर जो है इस सिलेंडर में फिट कर दिया जाएगा। ये ए आउटर सिलेंडर है और बी जो है इनर सिलेंडर है, और आउटर सिलेंडर में हम एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन को लेंगे जिसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। क्योंकि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर जो है हम एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन को इसके अंदर फिलअप कर देंगे। यहां पर हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन है, ये पूरा आउटर सिलेंडर में फिल किया हुआ है, ऊपर में भी सॉल्यूशन, सभी सब सॉल्यूशन ही है। थोड़ा देर के लाइट चला गया था, हम लोग आगे देखते हैं। जब हम लोग इस आउटर सिलेंडर में सॉल्यूशन को फिल करेंगे तो फिर ये सॉल्यूशन पूरा आउटर सिलेंडर में रहेगा, ये यहां भी सॉल्यूशन ही है। और आउटर सिलेंडर में हम पिस्टन फिट कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहां पिस्टन फिट कर देंगे।
जो मान लीजिए पिस्टन पी हो गया, इसमें सोल्यूशन है और इसमें एक प्रेशर गेज फिट कर दिया जाता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू देगा। प्रेशर गेज को हम ई से इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो यह जो है द अपरेटस यूज्ड इन दिस मेथड इन इज शोइंग इन फिगर। जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल फाइंड करने का जो अपरेटस है इस फिगर में हम लोग शो कर दिए हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बी सिलेंडर है इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है और जो ए सिलेंडर है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ये थ्रू एसपीएम, ये एसपीएम का वर्क कर रहा है क्योंकि ये जो पोरेस हैं इन पर कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिट है। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम कॉन्टेक्ट में है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस कंडीशन में ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करने लगता है। तो यहां पर जो है ये सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि यहां पर ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा जिससे इस इंडिकेटर में इस सॉल्वेंट का लेयर फॉल होगा। ये जैसे यहां था तो अभी धीरे धीरे ये फॉल हो रहा है और इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने के वजह से ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे इस प्रेशर गेज में उसका रीडिंग बताएगा। तो हम पहले प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो हमारा ये पिस्टन स्टॉप हो जाएगा। जब पिस्टन स्टॉप हो जाएगा तो फिर जो ऑस्मोसिस हो रहा था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस भी क्या होगा स्टॉप हो जाएगा और ये जो इसमें सॉल्वेंट फॉल हो रहा था इंडिकेटर में कैपिलरी ट्यूब में वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो यहां पर प्रेशर अप्लाई करेंगे इस प्रेशर गेज में उसका रीडिंग बताएगा। ये जो रीडिंग बताएगा ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ क्योंकि इसने जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसके प्रेशर को स्टॉप कर दिया। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट पर अप्लाई होकर के ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करेंगे हम लोग तो इस टाइम जो ये सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो बताएगा क्योंकि जो हम इनिशियली सॉल्यूशन लिए थे उससे ये डाइल्यूट हो चुका है। सॉल्वेंट केस में आने की वजह से वो डाइल्यूट हो चुका है। तो जो इनिशियली हम लोग सॉल्यूशन लिए थे वो सॉल्यूशन तो रहा नहीं क्योंकि इसमें लगातार ऑस्मोसिस हो रहा था सॉल्वेंट के, जिसके चलते जो सॉल्यूशन हम इनिशियली लिए थे उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो चुका है। लेकिन हमको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है किसका, जो इनिशियली सॉल्यूशन लिए थे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो हम फिर करेंगे क्या कि इस पर हम और एक्सेस प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब पिस्टन पर हम और एक्सेस अप्लाई करेंगे प्रेशर को तो ये प्रेशर लगेगा सॉल्यूशन पर और जब सॉल्यूशन पर प्रेशर लगेगा तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस हुआ था वो सॉल्वेंट जो है रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब हम यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सेस प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर जब सॉल्यूशन पर लगेगा तो फिर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है वो थ्रू एसपीएम सॉल्वेंट यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। लेकिन इसका ओनली सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट इसमें से इसमें आ गया था वो सॉल्वेंट रिटर्न होकर के रिवर्स होकर के इस बीच सिलेंडर में फ्लो होने लगेगा जिससे ये जो फॉल हुआ था सॉल्वेंट का लेयर ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा।
ये हम क्या करेंगे कि तब तक प्रेशर लगाएंगे जब तक कि वो अपने इनिशियली लेयर पर ना पहुंच जाए, जहां इनिशियली जब हम लिए थे सॉल्वेंट को उस लेयर तक जब पहुंच जाता है। और यहां पर हम क्या करते हैं कि अब जब पहुंचने के बाद इस प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, अब उससे ज्यादा प्रेशर हम नहीं लगाते हैं, जिसके चलते ये यहां कांस्टेंट हो जाता है, यहां पर जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट यानी कि जितना सॉल्वेंट इससे इसमें फ्लो हुआ था वो बाय रिवर्स ऑस्मोसिस वो रिटर्न हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब जो है इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमारा इनिशियली सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया। अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है डायल्यूट सॉल्यूशन है, यहां पर जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और थ्रू एसपीएम, ये एसपीएम है, थ्रू एसपीएम कॉन्टेक्ट में है। तो यहां तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन अभी जो है हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है स्टॉप हो चुका है। यहां पर हम लिख सकते हैं स्टॉप, यहां लिखते रहे स्टॉप ऑस्मोसिस, क्योंकि जब हम इस पर प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं इस सॉल्यूशन पर, तो अब जो है हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा था वही स्टॉप हो चुका है, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर लगाते तब और ज्यादा सॉल्वेंट फ्लो होता कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन हमने तो वहां पर प्रेशर को स्टॉप कर रखा है। तो ये सॉल्यूशन पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस प्रेशर की वजह से यहां पर ऑस्मोसिस जो है स्टॉप हो चुका है, या रिवर्स ऑस्मोसिस हो फिर ऑस्मोसिस हो, यहां ऑस्मोसिस किसी तरह का हो ही नहीं रहा है। ना डायल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आ रहा है, ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट डायल्यूट सॉल्यूशन में जा रहा है। तो यहां बिल्कुल ऑस्मोसिस स्टॉप है, और ये ऑस्मोसिस स्टॉप करने वाला प्रेशर यहां पर रीडिंग बताएगा प्रेशर गेज में। हम लोग जानते हैं कि वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन पर अप्लाई होकर के ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहां जो प्रेशर अब जो अप्लाई होगा सॉल्यूशन पर वो प्रेशर गेज में इंडिकेट करेगा, और इसी का रीडिंग जो होगा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन लिए थे उसी की इक्वल अब इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, तो इस सॉल्यूशन का वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इसको हम थोड़ा और एक बार समझ लेते हैं। ये जो बर्केल एंड हार्टले मेथड है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल निकालने का मेथड है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे फाइंड होगा। द ऑपरेटर्स यूज्ड इन दिस मेथड इज शोइंग इन फिगर, यानी कि जो भी ऑपरेटर्स इसमें यूज होना है उसको हम लोग फिगर में शो कर चुके हैं। इसमें टू सिलेंडर होता है, एक ए सिलेंडर होता है, एक बी सिलेंडर होता है। ए सिलेंडर जो होता है आउटर सिलेंडर होता है, बी सिलेंडर इनर सिलेंडर होता है। ए सिलेंडर गन मेटल का बना होता है, बी सिलेंडर जो है पोर्सिलिन का बना होता है। बी सिलेंडर में पोरेस होते हैं जिस पर कि हमारा कॉपर फेरोसाइनाइड डिपोजिट रहता है, जिससे एज ए एसपीएम में वर्क करता है। और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब जो कि इंडिकेटर का वर्क करता है फिट रहता है, और एक वाटर रिजर्वर इसमें फिट रहता है। यहां से सॉल्यूशन हम लोग सॉल्वेंट को हम लोग इसके अंदर डालते हैं। सॉल्वेंट हमारा डिस्टिल वाटर हो सकता है, और हम जो आउटर सिलेंडर ए है इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन को हम लोग डाल देते हैं। जो भी सॉल्यूशन का हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है उस सॉल्यूशन को हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये पूरा आउटर सिलेंडर में पूरा चारों तरफ ये सॉल्यूशन है, वो भी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि हमारा जो है लिखा गया है कि एज द ऑस्मोसिस बिगिंस, जब हमारा ऑस्मोसिस बिगिन होता है मतलब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमको पता है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम कॉन्टेक्ट में आते हैं तो फिर वहां ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का
सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि एज द ऑस्मोसिस बिगिन, जब मतलब हमारा ऑस्मोसिस बिगिन हो गया, स्टार्ट हो गया, लेवल ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब सी फॉल्स, यहां पर जो है ये कैपिलरी ट्यूब का लेवल जो है फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे नीचे की ओर, क्योंकि इसका सॉल्वेंट इसमें आना स्टार्ट हो गया। जब इसका सॉल्वेंट इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कैपिलरी ट्यूब से हमारा जो है फॉल होगा, लेवल ऑफ जो भी यहां सॉल्वेंट होगा वाटर, अगर डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर जो भी सॉल्वेंट होगा उसका लेवल जो है फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। अब कह रहा है कि नाउ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, अब हम क्या करते हैं कि जो ये ऑस्मोसिस होता है इसको स्टॉप करने के लिए हम इस पिस्टन पर क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, जो प्रेशर कहां लगेगा, सॉल्यूशन पर लगेगा। तो कह रहा है कि नाउ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट वाटर लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब सी रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, यानी कि हम इतना प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं सोल्यूशन पर कि हमारा जो ये ऑस्मोसिस हो रहा था वो तो स्टॉप हो ही जाए, जितना हमारा इसका सॉल्वेंट इसमें फ्लो हो गया था, पास हो गया था, और रिटर्न होकर के अगेन वो सॉल्वेंट में चला जाए, यानी कि बी सिलेंडर में चला जाए। तो हम लोग इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कह रहा है कि नाउ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, यानी कि पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो दैट वाटर लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब सी रिटर्न, मतलब कि जब ये इस, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो फिर इसका सॉल्वेंट इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते एक कैपिलरी ट्यूब में हमारा ये लेयर धीरे 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 उठने लगेगा, राइज करने लगेगा, और राइज करके बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, यानी कि रिटर्न बैक होकर के अपने ओरिजिनल पोजिशन तक यहां पर पहुंच जाएगा, तब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और यहां पर ये लेवल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो है हम यहां प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, तो अब जो है जो भी इसका सॉल्वेंट उसमें जा रहा तो भी स्टॉप हो गया, यानी कि ऑस्मोसिस हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये जो प्रेशर है यहां ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, तो ये ऑस्मोसिस को स्टॉप करने वाला प्रेशर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जो हम कहां से नोट करेंगे, तो इस प्रेशर गेज से नोट करेंगे। तो आगे लिखा गया है कि द प्रेशर इज रीड फ्रॉम द प्रेशर गेज, यानी कि हम लोग कहां नोट करेंगे, कहां पढ़ेंगे प्रेशर को, तो प्रेशर गेज ई में पढ़ेंगे, और दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यहां जो प्रेशर हम लोग रीडिंग करेंगे ये हमारा इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस तरीका से हम किसी भी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, और कैलकुलेशन तो हम बताए ही कि कैलकुलेशन में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है तो फिर आप पी का फॉर्मूला लगा दीजिए, WHT अपॉन MV, तो एक आप पी यहां से फाइंड कर लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कैलकुलेटेड है, और एक पी आप यहां से फाइंड कर लिए, यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर यहां जो बताएगा ये क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो एक पी आप यहां से फाइंड कर लिए जो कि प्रेशर लगा रहे हैं और ये प्रेशर गेज बता रहा है, और हमको आई निकालना हो तो हमको पता है कि पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड वैल्यू का रेशियो होता है आई, तो यहां पर पी ऑब्जर्व्ड के मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू यहां रखना है, तो यहां जो वैल्यू बताएगा यहां रख देंगे, और जो कैलकुलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है उसको हम लोग यहां रख देंगे, इस तरीके से हमारा आई फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी कोलिगेटिव के प्रॉपर्टीज के, किसी भी सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टू टाइप से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक तो फार्मूला से जो कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, और दूसरा एक्सपेरिमेंट से जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।